नमस्कार दोस्तों, ऑल हिंदी आइडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने फोन पे अकाउंट से किसी अपने दोस्त को या किसी भी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया है आपके बैंक अकाउंट से, लेकिन वो पैसा ट्रांजेक्शन फेल हो गया है, आपके बैंक अकाउंट का पैसा भी कट गया है और आपके जो भी रिसीवर है उसे पैसे भी नहीं मिले, तो दोस्तों ये आप रिफंड कैसे लेंगे, यहाँ पे मैं छोटा सा आपको एक डेमो करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं खुद ही अपने दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करूँगा और वो पैसा यहाँ पे ट्रांजेक्शन इस प्रकार से फेल हो जाता है यदि, तो यहाँ पे मैं आपको डेमो एक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं अपने दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता हूँ तो इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है और ट्रांजेक्शन फेल बता देता है। तो मेरे अकाउंट से पैसे भी कट जाते हैं और दूसरे के अकाउंट में पैसा भी ट्रांसफर नहीं होता है। तो ये पैसा आपको वापस रिफंड कैसे मिलेगा अपने अकाउंट में, आज के वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। दोस्तों, यही प्रॉब्लम आपके साथ में है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। उसके बाद में आपको फोन पे अकाउंट को ओपन कर लेना है और आपको यहाँ पे हिस्ट्री के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए, 100% आपको अपना पैसा रिफंड मिल जाएगा। दोस्तों, उसके बाद में आपको यहाँ पे जो आपका ट्रांजेक्शन फेल हो गया उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट फोन पे सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लीजिए। उसके बाद में इस प्रकार का इंटरफेस होगा और आपको यहाँ पे वाज माई मनी डिडक्ट इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद में इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको यस के बटन पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद में वाई डिड माई पेमेंट फेल, यानी मेरा आपका पेमेंट फेल क्यों हुआ, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद में इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और फिर से आपको यस पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद में फाइनली आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट कस्टमर केयर सपोर्ट तक पहुंच जाएगी। उसके बाद में आपका जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो 3 से 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।